हेलो जी, केम छो तमे। तो चलिए देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए उनके रिलेशन की क्या है, उनके रिश्ते की ताकत और क्या है उनके रिश्ते की कमजोरियां। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है, क्या गाइडेंस क्या रहने वाली है उनके लिए। तो ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का जाने दें। तो चलिए देख लेते हैं कि उनके रिश्ते की ताकत क्या है और क्या है उनके रिश्ते की कमजोरियां। तो चलिए जल्दी से एनर्जी क्लेम कर लीजिए 777 लिखकर। तो देख लेते हैं कि क्या है उनके रिश्ते की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ क्या है। तो ये है जो रिलेशन है इनका, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और यहाँ पर इनके रिलेशन की जो ताकत है वो इसमें है कि ये जो कोई भी चीज़ें होती है ना, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने जो बातें होती है, जो सिचुएशन चल रहा होता है, वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। वो एक दूसरे की जो बातें होती है वो अंदर ही अंदर दबाते जाते हैं, चाहे वो दुख हो सुख हो कुछ भी हो, ऐसा वो बातें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है ये सारी बातें अपने शेयर करते हैं, कुछ भी अपने अंदर ऐसा नहीं रखते हैं या कुछ भी अपने अंदर ऐसा दबा के नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के इनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो या फिर कुछ भी ऐसा स्ट्रेसफुल हो, ऐसा कुछ भी ये अपने अंदर दबा कर नहीं रखते हैं। या और जिसे सप्रेशन कहते हैं ना, कि अंदर ही अंदर चीज़ें बहुत सारी दबाइश है, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप में कोई भी बातें जो है, एक दूसरे की जो भी बातें होती है वो नहीं छिपाते हैं, वो सारी बातें शेयर करते हैं और दिल से शेयर करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे वो सामने वाले पर्सन को तकलीफ़ हो ऐसा कुछ करें, क्योंकि वो सारी बातें शेयर करते हैं। और यहाँ पर ये जो पर्सन है ये एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जितना भी ये जानते हैं ना, उससे ज़्यादा, उससे जो होता है ना कि उससे भी अंदर की जो बातें होती हैं, अंदर की जो चीज़ें होती हैं जो एक इंसान नहीं बताना चाहता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं वो समझ जाता है। जैसे कि हम किसी को कुछ ना भी बताएं फिर भी सामने वाला जो पर्सन होता है वो सारी चीज़ें समझ जाता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है या इसे किस टाइम पर क्या चाहिए। या फिर होता है ना कि कोई, कई बार ऐसा होता होगा, सबके साथ ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और सामने वाला पर्सन जब ये बातें बोल देता है जो हम सोच रहे होते हैं, तो हम चौंक जाते हैं कि इसे कैसे पता कि हम अभी ये सोच रहे थे। तो कुछ इस तरह से होता है। और ये जो पर्सन है ना, ये एक दूसरे को, अपने रिलेशन को बहुत ही अच्छे से समझता है और बिल्कुल गहराई तक समझता है और समझने की कोशिश भी करता रहता है। तो ये बहुत ही जिसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अंदर होता है और एक जो बाहरी लोगों के लिए होता है। तो ये जो पर्सन है ये अपना भी जो बाहर का जो सीन होता है या फिर जो दोनों चेहरे हैं वो खुद के, वो दूसरे के सामने ओपनली रहता है। और फिर जो इसका जो भी इस पर्सन का जो भी रिलेशन होता है तो उसके साथ भी ये बिल्कुल फ्रेंडली इस तरह से रहता है और ख़ुद को इस तरह से शो भी करते हैं, जैसे जो वो अंदर से है वही वो बाहर से भी है, ऐसा भी वो दिखाते हैं और ऐसे ही वो है भी। तो ये जो पर्सन है इसकी लाइफ में पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना, ये मोमेंट टू मोमेंट बहुत ही केयरफुली कदम रखते हैं और अपने रिलेशन में बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ते रहते हैं। और ये जो पर्सन है ना, वो अब सारी जो मोमेंट होती है, जो मोमेंट टू मोमेंट होता है, जो भी सिचुएशन चल रही होती है, जो भी सीन चल रहा होता है ना, उसे खुल के जीने की कोशिश करते हैं, खुल के जीते हैं। और ये पर्सन ऐसे हैं कि ये बिल्कुल रिलेशन में भी बिल्कुल मोमेंट टू मोमेंट इन्जॉय करना चाहते हैं या बहुत ही हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दही दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन इनके साथ हो चुका है जिसकी वजह से ये इस रिलेशन में बिल्कुल हैप्पी रहते हैं और सभी चीज़ें सोच समझ कर करते हैं। और इसलिए और ये पर्सन बहुत ही अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही केयरिंग है, लविंग है और बहुत ही
इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही हैप्पी रहने वाले पर्सन है और बहुत ही मूडी पर्सन भी है। और ये जिस भी तरह से रहते हैं बिल्कुल खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। इस पर्सन को लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इससे इसे कोई लेना देना नहीं होता, इसे इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके रिलेशन को लेकर लोग क्या कहते हैं। ये जो पर्सन है इनका रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और इनके इस पर्सन के रिलेशन की यही ताकत है कि ये बिल्कुल ब्यूटीफुल से पर्सन है और बहुत ही जो कहते हैं ना कि बहुत ही दिल के साफ है। और ये जिस भी रास्ते निकल जाते हैं वो इनके लिए बहुत ही बेहतर हो जाता है, इनके रिलेशन के लिए भी बहुत ही बेहतर है और ये लोगों की परवाह नहीं करते हैं इस रिलेशन को लेकर और हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके रिलेशन की कमज़ोरियां क्या है। जो पर्सन है इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ ये है कि ये जो पर्सन है ना इनको उतना ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि दिल और दिमाग की सुननी चाहिए, तो वो नहीं हो पा रही है। और ये दिल और दिमाग दोनों को लेकर एक साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, दोनों की एक साथ नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर ये बाकी सारे जो भी इस रिलेशन में है और ये जो पर्सन इस रिलेशन में है और इनके जो भी रिश्तेदार है या फिर फैमिली कह सकते हैं या फिर जो बाकी लोग हैं उनकी बातों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है। और सबको साथ में लेकर कैसे चलना है ये पर्सन नहीं समझ पाते हैं सही से कि सबको साथ में लेकर कैसे चले और सबको अपनी बातों अपनी तरफ कैसे करें, ये बात इन्हें नहीं समझ में आ रही है। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि इनको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इनके रिलेशन को बाकी सभी लोगों की जो सहमति होती है ना उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और जिसकी वजह से इनका जो रिलेशन होना चाहिए जैसा होना चाहिए, जैसा ब्यूटीफुल होना चाहिए, अगर ये जो रिलेशन में ये जो चाहते हैं कि हमारा रिलेशन इतना ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल एक फ्लावर की तरह हो, वैसा इनका रिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है कि ये अपनी जो बातें हैं वो अपने जो भी फैमिली मेम्बर है या जो भी है उन्हें अच्छे से समझा नहीं पाते हैं अपने रिलेशन को लेकर, जिसकी वजह से इन्हें ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो भी है अपने खुद को समझे पहले, उसके बाद लोगों को उन्हें कैसे साथ में लेकर चलना है या फिर अपने बातें लोगों को कैसे समझानी है इन्हें ये समझना होगा। और इन्हें ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि कौन किस तरह से समझ सकता है, उसको उस तरह से समझाए और फिर वो जो भी अपनी चीज़ें समझाना चाहते हैं उनको समझा देंगे, तब जाकर इनकी जो रिलेशन की कमज़ोरियां है वो इनके रिलेशन की जो ताकत है उसमें बदल जाएगी, जिसकी वजह से इनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा जैसा ये चाहते हैं। तो इनके रिश्ते की यही कमज़ोरियाँ है कि ये खुद की बातें दूसरों को नहीं समझा पाते हैं और अपने दिल और दिमाग की सही से नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा है। तो ये था धनुराशि वालों के लिए। तो फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, आप जितना इससे रेजोनेट करें उतना रखिए, बाकी का जाने दें। तो इस बार थोड़ी सी लेट हो गई मेरी वीडियोस आने में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ था और खांसी की वजह से, जिसकी वजह से अभी भी थोड़ा सा लग रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो बस अभी के लिए इतना ही, और वीडियो एनर्जी क्लेम कर लीजिए 777 लिख कर कॉमेंट में। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू।